आप स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ाई कैसे चलेगी? क्योंकि मुझे मालूम है क्या कैसे पढ़ना है, कैसे होमवर्क करते हैं। वो आपको मालूम है? किसने बता दिया आपसे? आपके दिमाग ने। स्कूल आ जाया करो ना आप। हम क्या बोल रहे हैं, आपको स्कूल जाना चाहिए ना। जाना चाहिए। तो फिर आप स्कूल क्यों नहीं जाती हैं? मैं तो कर सकता हूँ, मेरा तो सर नहीं दुख रहा है। तो आप अपने आप से कीजिए। मैं अपने आप से बात नहीं करता हूँ। तो मत कीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। नहीं बोलते, मान रहा है ऐसे। लाइए मैं सर की दवाई दिलवा देता हूँ। आप बताइए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं देना है आपको? देना पड़ेगा। क्या सवाल है? सिर्फ मेरा एक सवाल है, सब बच्चे घर में पढ़ेंगे तो स्कूल क्या होगा? स्कूल का जो होना है बच्चों क्या करना? क्यों नहीं करना? स्कूल के सर लोग का क्या होगा? क्या होगा मतलब? स्कूल बंद के घर जाएंगे और क्या होगा? स्कूल बंद हो जाएगा। हाँ। फिर हम लोग क्या करेंगे? घर पे बैठना। घर पे बैठ के क्या करेंगे? एक सवाल का आपने दो सवाल बना दिया। कहाँ बनाया? मैंने तो एक ही सवाल पूछा है। मैं एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकती। नहीं दे सकती? थक गई आप? फिर आप पढ़ाई क्या करेंगी? फिर आप कभी स्कूल नहीं जा रही हैं, हम समझ नहीं आते। पढ़ाई में थकती, बात करने में थकती। जब मैडम वहाँ पूछेंगी बार बार तो आप थक जाओगी। नहीं थकूंगी। क्यों नहीं थकोगी? क्योंकि एक बार मैडम बोर्ड पे लिख के दिखाती है और दूसरी बार मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैडम जो कैसे लिखते हैं। मैडम से कैसे लिखते हैं? तो मैडम पूछेंगी ये क्या लिखा है, आप बता दोगे? हाँ। अच्छा बताओ, अच्छा क्या लिखा होगा? तब लिखेंगे तब बताऊंगी। अच्छा जब लिखेंगे, जब आप बता दोगे। अच्छा ए फॉर क्या होता है? अब दूसरा सवाल बिल्कुल भी मत पूछो। ए फॉर क्या होता है बता दो ना, तुम तो पढ़ती हो। नहीं बनता? बनता है इसमें? नहीं बनता, बनता है। बताइए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, ई फॉर